हे गाइस, वेलकम टू ड्रॉयट्रॉक्स यूट्यूब चैनल। तो यारो, सितंबर के बाद अक्टूबर मंथ भी आ गया है। मेरे ख्याल से इस मंथ भी आपको टॉप 10 मस्ट हैव एंड्रॉइड ऐप्स ट्राई करना चाहिए। और सभी एंड्रॉइड ऐप्स बेस्ट होने के साथ साथ काफी यूनिक और कमाल के हैं। और ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आपकी जो म्यूजिक सुनने की एक्सपीरियंस जो है ना, एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो वो वाला एप्लीकेशन आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हर मंथ की तरह इस मंथ भी एक बेस्ट वॉलपेपर एप्लीकेशन से शुरू करते हैं, जिसका नाम है वॉलपिक्सल। और हाँ, यही वो एप्लीकेशन है जिसकी मदद से मैं काफ़ी सॉलिड सुपर हीरोज वॉलपेपर्स भी डाउनलोड करता हूँ मेरे फ़ोन में। इस ऐप में है फुल HD एंड अल्ट्रा HD वॉलपेपर्स, और हर एक वॉलपेपर्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एकदम फ्रेश वॉलपेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप में। और वॉलपेपर्स के कैटेगरी भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एमोलेड, एनिमल्स, बाइक्स, मिनिमल, और मेरा फेवरेट सुपर हीरोज का कैटेगरी भी मिल जाएगा, जो आप हर एक कैटेगरी को चेक कर सकते हैं और वॉलपेपर्स को आपके मनपसंद हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। और क्या चाहिए, बहुत सारे वॉलपेपर्स है। अगर आपके पास सुपर एमोलेड वाला स्क्रीन फोन है तो आपके लिए काफी ज्यादा धांसू एप्लीकेशन होने वाला है। एक बार जरूर ट्राई करना, आप मस्ट हैव एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन के साथ साथ सभी एप्लीकेशन का लिंक्स मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन डब्बे में। तो भाई लोग, मैं विलेज में रहता हूँ और सुबह सुबह विलेज का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। और ये नेक्स्ट एप्लीकेशन में आउटडोर में शूट करने वाला हूँ। नंबर 2 में है TTV। ये काफ़ी ज़्यादा OP लेवल का एप्लीकेशन है, क्योंकि इस ऐप में आप सभी बेस्ट मूवीज़, वेब सीरीज़ एंड यहाँ तक कि हिंदी मूवीज़ और हिंदी वेब सीरीज़ भी एकदम फ्री में ऑनलाइन वॉच कर सकते हैं इस ऐप की मदद से। आप में से कोई एक सब्सक्राइबर मुझे कमेंट करके पूछा था कि एक बेस्ट मूवीज ऐप लेकर आओ, तो भाई लो, ये एप्लीकेशन आपके लिए ही है। जरूर ट्राई करना, मस्ट हैव एप्लीकेशन है। इस ऐप में आप जो है ना, किसी भी मूवीज़ को वॉच करने के लिए आप कोई भी एक मूवी सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पर वॉच नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और इसे वॉच करने के लिए आपको और एक प्लेयर इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है T-Player। और आपको अलग अलग लिंक्स भी मिल जाएंगे, जो आप किसी भी लिंक्स को क्लिक करके जो है ना ऑनलाइन वॉच कर सकते हैं। 720p में, 1080p में, जैसे चाहे आप वैसे क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं और मूवीज़ को वॉच कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए लाते रहता हूँ। नंबर 3 में है प्राइस हिस्ट्री। गाइज, जैसे कि आप सबको पता है, अमेजोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल स्टार्ट हो चुका है और फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन सेल भी स्टार्ट हो चुका है। और इसी मौके पे आपको जो है ना, ये एप्लीकेशन काफी ज्यादा हेल्प करेगा किसी भी प्रोडक्ट को बहुत कम दाम में परचेस करने में। जी हाँ गाइज, इस ऐप में आपको जो है ना, कोई भी लॉगिन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट ये एप्लीकेशन ओपन करना है। यहाँ पे आपको 2 बैनर देखने को मिलेगा, फ्लिपकार्ट का और अमेजोन का। आप चाहे तो अमेजोन से बाय कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, या फिर आप फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो है ना फ्लिपकार्ट से iPhone 12 को ओपन किया है। इसका मैं अगर प्राइस हिस्ट्री चेक करूँगा ना, देख सकते हैं इसका जो असल प्राइस था, मैंने कि मेन प्राइस था लगभग 80,000 के आसपास, और अभी इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। देख सकते हैं लगभग 49,000 के आसपास आपको देखने को मिल रहा होगा। और ऐसे ही आप मिडिल में देख सकते हैं, आपको प्राइस हिस्ट्री भी देखने को मिलेगा और किस दिन में कब इसका प्राइस कम हुआ था आप चेक कर सकते हैं, ताकि आप जो है ना बहुत ही कम प्राइस में इसको बाय कर पाओ, ताकि आपके पैसा बच जाए। और ऐसे ही आप अलग अलग प्रोडक्ट्स का प्राइस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे। और हाँ, मैंने भी कुछ अंडर 10,000, अंडर 15,000 एंड अंडर 30,000 के आसपास टॉप स्मार्टफोन्स का लिंक्स भी दे दिया है, चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नंबर 4 में है टैप टैप स्क्रीनशॉट। गाइस, मेरी तरह आप भी रोज़ स्मार्टफोन यूज़ ज़रूर करते हैं, और किसी ज़रूरी काम के लिए, पर्सनल चैट्स हो गया, या फिर किसी इंपॉर्टेंट डाटा सेव रखने के लिए स्क्रीनशॉट तो आप लेते ही होंगे आपके स्मार्टफोन में। और स्क्रीनशॉट लेते समय आपके फ़ोन में पावर बटन या फिर वॉल्यूम बटन प्रेस करते ही होंगे, लेकिन वो अच्छे से काम नहीं करता है। तो कोई बात नहीं, इस वाले एप्लीकेशन की मदद से आपके फ़ोन में जैसे ही डबल टैप करेंगे बैक साइड, तो ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं। और स्क्रीनशॉट की जो क्वालिटी है ना, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, देख सकते हैं। और फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। ये एप्लीकेशन जो भी परमिशन को मांगता है वो आपको अलाउ करना होगा, तभी आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन काम करेगा। तो अगर आपको क्विक स्क्रीनशॉट लेना है, किसी पर्सनल डेटा सेव रखना है, तो ये एप्लीकेशन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट और 5th नंबर एप्लीकेशन का नाम है बाइक रेस स्टंट मास्टर।
तो यार ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, एक गेम है। और आपको इस मंथ एंड्रॉइड एप्लीकेशन के साथ साथ एक गेम भी ट्राई करना चाहिए, जो कि हर मंथ आप सभी के लिए एक इंक्लूड करता हूँ। तो ये ओनली 47 MB में एक अनोखा बाइक स्टैंड ऑफलाइन गेम है। और मुझे इस गेम का जो ग्राफिक्स है ना, काफ़ी अच्छा लगा। यूनिक स्टैंड्स आपको देखने को मिलेगा इस वाले गेम में। आप इस गेम में अलग अलग बाइक स्टंट्स को कर सकते हैं, आपको गेम खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये गेम खेलने में इतना ज़्यादा इजी नहीं है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना होगा तभी आप इस गेम को अच्छे से खेल पाएंगे। अगर आप टाइम पास करने के लिए एक ऑफलाइन गेम ट्राई करना चाहते हैं तो ये गेम आप ज़रूर डाउनलोड करना। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं ये गेम आपको कैसा लगा है। नंबर 6 में है हनी लॉन्चर। ये लॉन्चर एक न्यू लॉन्चर है जो प्ले स्टोर में अभी अर्ली एक्सेस मोड में है। और ये एक सिंपल मिनिमल फ्रेश एंड्रॉइड लॉन्चर है। होम स्क्रीन में आपकी मनपसंद हिसाब से टॉप एंड्रॉइड ऐप्स जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इस लॉन्चर में आपको दो लेआउट देखने को मिलेगा, एक हो गया सिंपल लेआउट और दूसरा हो गया हनीकॉम लेआउट। जो चाहे आप वो लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाने के लिए आपको जो है ना इस लॉन्चर में जो एप्लीकेशन है वो आपको सिलेक्ट करके रखना होगा, तभी आप सेटिंग में जा सकते हैं, आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग में देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। और मजे की बात क्या है बताऊं, ये लॉन्चर बिल्कुल एड्स फ्री लॉन्चर है, यानी कि आपको इस लॉन्चर में कोई भी बेकार के एड्स देखने को नहीं मिलेगा। और सभी आइकन पैक्स भी इस लॉन्चर में सपोर्ट हो जाता है। तो अगर आपको इस मंथ एक न्यू लॉन्चर ट्राई करना है, थोड़ा सा अलग डिजाइन में लॉन्चर ट्राई करना है, तो ये लॉन्चर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ ये लॉन्चर आपको कैसा लगा है। नंबर 7 में है ग्लिटजी। तो भाई लोग, ये एक लाइव वॉलपेपर एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन मेरे सिस्टर ने मुझे रेकमेंड किया था। इस ऐप में आपको रियलिस्टिक ग्लिटर इफेक्ट वाला वॉलपेपर देखने को मिलेगा, जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर देखने को मिलता है। और इन सभी वॉलपेपर्स में आपको जो है ना ग्लिटर स्पार्कल इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, जैसे आपकी फ़ोन की स्क्रीन को मूव करेंगे। और आपको अलग अलग कैटेगरी भी देखने को मिलेगा, ढेर सारा कैटेगरी है, आप चेक कर सकते हैं, आप वॉलपेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं आपके फ़ोन में। और सभी जो वॉलपेपर के इफेक्ट है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सो गाइस, मेरे ख्याल से ये गर्ल्स के लिए एक बेस्ट वॉलपेपर एप्लीकेशन है। अगर आप एक गर्ल्स हो तो ये वाला एप्लीकेशन ज़रूर ट्राई करना। और आपको इस मंथ 2 वॉलपेपर एप्लीकेशन भी बता दिया है, आई होप ये वाला एप्लीकेशन भी आपको अच्छा लगा है। नंबर 8 में है स्कॉर्पियन KWGT। तो ये एक बहुत ही अनोखा विजिट पैक है KWGT के लिए। और इस ऐप में बहुत सारे टॉप क्वालिटी विजिट्स देखने को मिलेगा, जैसे कि देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, जैसे मेरे फ़ोन में स्क्रॉल कर रहा हूँ देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे विजिट्स पैक देखने को मिलेगा। कलरफुल विजिट्स है इस ऐप में, जो पर्सनली मुझे यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा सभी विजिट्स। और आप चाहे तो किसी भी एक विजेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं और होम स्क्रीन में सेटअप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो लोग होम स्क्रीन सेटअप करते हैं या फिर एंड्रॉइड होम स्क्रीन कस्टमाइज करते हैं, तो उनके लिए ये एक बेस्ट विजेट्स पैक है। अगर आप भी होम स्क्रीन कस्टमाइज करते हैं तो ये वाला एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ज़रूर ट्राई करना। नंबर 9 में है अल्ट डेटा। तो गाइस, अगर आपके फ़ोन में कोई भी इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गया या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो गया, गलती से आपने डिलीट किया है, अगर आप वो रिकवर करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इस ऐप में आपको अलग अलग कैटेगरी मिलेगा, यानी कि अलग अलग सेक्शन मिलेगा, जो आप सिलेक्ट करके आपके फ़ोन में जो भी डेटा आप रिकवर करना चाहते हैं आप आराम से रिकवर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इमेजेस सेक्शन पर क्लिक करूँगा और मेरे फ़ोन में जितना भी इमेजेस होगा वो सारा स्कैन करेगा, और टोटल स्कैन करने के बाद ये मुझे बता देगा कि कौन कौन से इमेजेस में रिकवर कर सकता हूँ, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेल्पफुल एप्लीकेशन है। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इस ऐप में आप 2 टाइम ही किसी भी डेटा को रिकवर कर सकते हैं, उसके बाद आपको जो है ना बाय करना होगा। और इस ऐप को इंक्लूड करने का मकसद ये था, अगर आपकी फ़ोन में गलती से कुछ भी डेटा अगर आपने डिलीट कर दिया है और आपको वो डेटा चाहिए होगा, तो ये एप्लीकेशन आप ट्राई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको 2 बार ही आपको फ्री ट्रायल मिलेगा, उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन बाय करना होगा, जो कि मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूँ। नंबर 10 और लास्ट एप्लीकेशन का नाम है लुमिनेंट म्यूजिक प्लेयर। तो यही वो खास एप्लीकेशन है जो लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं उनके लिए। तो गाइस, बेसिकली ये एक म्यूजिक प्लेयर है और इस म्यूजिक प्लेयर में आपको अनोखा म्यूजिक विजुअलाइजर इफेक्ट्स देखने को मिलेगा। इस ऐप में जो है ना आपके फ़ोन से कोई भी म्यूजिक प्ले कर सकते हैं और प्ले करने के बाद आपको हर एक सॉन्ग में यूनिक कमाल का विजुअलाइजर इफेक्ट्स देखने को मिलेगा, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा धांसू लगता है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है इस ऐप का म्यूजिक विजुअलाइजर इफेक्ट्स। और हाँ, इस ऐप को आप जो है ना स्पॉटिफाई से भी कनेक्ट करके
म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं। तो आपको ये एप्लीकेशन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप ये एप्लीकेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये सभी टॉप 10 बेस्ट एंड्रॉइड एप्स आपको पसंद आया होगा, जो आप इस मंथ जरूर ट्राई करना। और इन सभी एप्लीकेशन में कौन सा एप्लीकेशन आपको अच्छा लगा है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को प्यार से लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, और भी एप्लीकेशन के वीडियो देखने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट भी दे दिया है। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।